जंगल में एक बंटी कबूतर नामक का कबूतर रहा करता था और उसी के पड़ोसन टूनी चिड़िया उसके आसपास रहा करती थी। दिल्ली की गर्मियों में दोनों का बहुत ज्यादा बेहाल हो रखा था। एक दिन जम के बारिश होती है और बंटी कबूतर जम के वहाँ पे नहाता है और उसको बहुत सुकून मिलता है और वो एकदम फ्रेश हो जाता है। टूनी चिड़िया देखकर उसको बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है, लेकिन वो नहा नहीं सकती बारिश के पानी में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है अपने कामों के बीच में। बस क्या था, ऐसे ही करते करते दिन निकल जाते हैं और बंटी कबूतर डेली नहाता है अपनी बारिश के अंदर, लेकिन टूनी चिड़िया उसको देखकर जलती रहती है। बस क्या था, हल्के हल्के गर्मी चली जाती है और सर्द मौसम आने लगता है। सर्दी आने से पहले जो वर्षा होती है, क्या था, एक दिन वो बारिश होने लगती है, लेकिन उस दिन टूनी चिड़िया फ्री होती है और वो सोचती है कि आज मैं भी नहाऊंगी और मैं बंटी कबूतर को चिढ़ाऊंगी, और वो बारिश में नहाने चली जाती है। ये देखकर बंटी कबूतर उसको बोलता है, हे टूनी चिड़िया, पागल हो गई हो क्या? अरे इस बारिश में नहीं नहाते, इस बारिश में नहाओगी तो बीमार हो जाओगी। लेकिन टूनी चिड़िया उसको नहीं सुनती है और नहाने लगती है। बस क्या था, वो बीमार पड़ जाती है और इतनी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं पाती। बंटी कबूतर उससे मिलने जाता है और उसे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो उसको बताती है कि उसने उसको नहाते हुए देखा, लेकिन वो व्यस्त थी और वो नहा नहीं पाई। ये सोच के वो उस दिन नहाने चली गई। पूरी बात सुनकर बंटी कबूतर उसको समझाता है, ए टूनी चिड़िया, मैं इसलिए नहाता था क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम था और तुम उस समय नहाई जिस समय सर्दियों का मौसम आने वाला था। नहाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किस समय नहाना है इसका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं, किसी की हिरस मत करो, पूरा ज्ञान रखो, उसके बाद कुछ काम करो। बंटी कबूतर उसको बोलता है, अगर तुम्हें ज्ञान होता कि गर्मी में नहाना अच्छी बात है लेकिन सर्दियों में बारिश में नहाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो बीमार करने वाला मौसम लेकर आती है। बस क्या, ये बात सुनकर टूनी चिड़िया रोने लगती है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। किसी के साथ कभी भी हिरस नहीं करनी चाहिए, जो मन में हो वो करना चाहिए और साथ ही साथ ज्ञान भी रखना चाहिए कि किस टाइम पे क्या चीज़ करनी महत्वपूर्ण है।